हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोप्रोसेसर के चैप्टर नंबर 6 स्टैक एंड सब रूटीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सब रूटीन बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हो टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जो भी एक फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर या हार्डवेयर में सब रूटीन्स बनाए जाते हैं। और स्टैक क्या है? स्टैक एक मेमोरी है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट पर बेस्ड होती है। जो सबसे पहले लास्ट में जो ऑपरेशन फॉर्म होगा उसका मेमोरी एड्रेस स्टैक मेमोरी में डाल दिया जाता है। चैप्टर नंबर 6 स्टैक एंड सब रूटीन। स्टैक माइक्रोप्रोसेसर 8085 में स्टैक जो है वो रीड राइट मेमोरी की कुछ मेमोरी लोकेशन होती हैं। इनकी हमने जो रैम है या जो रीड राइट मेमोरी 8085 में है उसको उसका कुछ पार्ट जो है वो स्टैक मेमोरी के लिए रिजर्व कर रखा है, जिसका विवरण हमने मेन प्रोग्राम में दिया जाता है। इन मेमोरी लोकेशन का यूज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय हम टेम्परली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। यानी कि हमने पहले डिफाइन कर दिया मेन प्रोग्राम में कि भाई ये मेमोरी लोकेशन आर यूज फॉर द स्टैक, स्टैक के लिए यूज हो रही है इंफॉर्मेशन, जो भी एड्रेसेस हैं, नंबर ऑफ एड्रेसेस मेमोरी लोकेशन के, और उनका हम यूज भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पर कर सकते हैं, जो टेम्परली डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्टैक के लिए स्पेस समानता मेमोरी मैप के अंतर्गत ही रिजर्व किया जाता है कि जितनी मेमोरी एड्रेसेस हैं उसके रिस्पेक्टिवली हम अपने हिसाब से जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसको रिजर्व कर देंगे। स्टैक की स्टार्टिंग लोकेशन का विवरण मेन मेमोरी के मेन प्रोग्राम में रहता है। और स्टैक हम बता ही चुके हैं, स्टैक में जो डेटा का वर्किंग प्रिंसिपल है वो लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड होता है। स्टैक के लिए निर्धारित मेमोरी लोकेशन में लास्ट लोकेशन जिसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर में होता है उसे स्टैक टॉप कहते हैं। यानी कि जो लास्ट लोकेशन थी उसे हमने स्टैक टॉप कहा और उसका एड्रेस जो है वो हम स्टैक पॉइंटर में रखते हैं। यानी कि जो भी स्टैक मेमोरी है उसकी टॉप लोकेशन का एड्रेस जो होगा वो स्टैक पॉइंटर में होगा। पॉप इंस्ट्रक्शन देने पर स्टैक की उस मेमोरी लोकेशन का बाइट सबसे पहले ट्रांसफर होगा, यानी कि हम निकालेंगे। पॉप ऑपरेशन का मतलब है डेटा को स्टैक से निकालना। तो हम उसमें से क्या करते हैं, जो भी स्टैक पॉइंटर में वैल्यू दे रखी है वो किसकी वैल्यू है, टॉप ऑफ द स्टैक की है, उस टॉप ऑफ द स्टैक से हम वैल्यूज को निकालेंगे तो वो ऑपरेशन कहलाएगा पॉप, और अगर हम वैल्यूज को डालेंगे तो वो पुश ऑपरेशन कहलाता है। मेन प्रोग्राम में स्टैक के प्रारंभ होने का विवरण इंस्ट्रक्शन जो हम यूज करते हैं मेन प्रोग्राम में, जब भी हम स्टैक के लिए यूज करेंगे जो इंस्ट्रक्शन वो नॉर्मली इंस्ट्रक्शन होता है LXI SP लोड स्टैक पॉइंटर द्वारा दिया जाता है। यह इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर में स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में 16 बिट मेमोरी एड्रेस को लोड करती है। यानी जो भी स्टैक की मेमोरी लोकेशन है उसको लोड करने के लिए हम LXI SP का यूज करेंगे। यानी जो भी इमीडिएट डेटा है वो किसमें चला जाएगा, स्टैक पॉइंटर में चला जाएगा, वो एज ए ट्रीट होगा मेमोरी लोकेशन फॉर स्टैक। माइक्रोप्रोसेसर से किसी भी रजिस्टर पेयर की सूचना स्टैक में स्टोर करने के लिए पुश इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं। हमने बोला जब हमें रजिस्टर पेयर से कोई डेटा स्टैक में डालना है तो हम पुश ऑपरेशन करेंगे, जब हमें स्टैक से मेमोरी निकाल के किसी रजिस्टर को देनी है तो हम पॉप ऑपरेशन का यूज करेंगे, स्टैक से पुनः किसी रजिस्टर पेयर में ट्रांसफर करने के लिए पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा LXI SP 2809, यानी 2809 कोई मेमोरी लोकेशन है उसको हमने किसको दे दिया, स्टैक पॉइंटर को दे दिया, ठीक है। फिर LXI H का मतलब है कि HL पेयर में जो डेटा है वो क्या हो जाए 832A स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे यही है, स्टैक पॉइंटर में क्या हो गया 2809, यहाँ पे हमने दिखा रखा 2809 स्टैक पॉइंटर में आ गया। HL पेयर में क्या 832A, तो H में 83 आ गया और 2A किस में आ गया, L में। अब हमें क्या कराना है, पुश ऑपरेशन कराना है, पुश एच, यानी कि एच का जो डेटा है एच
832A HL पेयर में क्या है 832A वो पुश हो जाए, कहाँ पुश हो जाए, स्टैक पॉइंटर में पुश हो जाए। तो स्टैक पॉइंटर कहाँ है, देखो स्टैक पॉइंटर ये दे रहा है 8, ये स्टैक मेमोरी हमने बना ली जहाँ पे 2809 अभी इंडिकेट कर रहा है स्टैक पॉइंटर को। उसके बाद क्या ऑपरेशन होना है, पुश एच, यानी एच एल पेयर का जो डेटा है वो स्टैक में जाना है। तो हम क्या करेंगे, 2809 के बाद नेक्स्ट लोकेशन को डिक्रीज कराएंगे, 2808 हो जाएगी, वहां पर हायर एड्रेस यानी एच वाले एड्रेस को रखेंगे। एच में क्या 83, तो हमने 83 डाल दिया। फिर एक मेमोरी लोकेशन को डिक्रीज कराएंगे तो अब मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगी 2807। तो जो लोअर एड्रेस वाला है 2A वो किस पे चला जाएगा, 2A वाली पोजीशन 07 वाली पोजीशन पे चला जाएगा। इस ढंग से ये पुश ऑपरेशन हुआ। फिर अगर हम जब पॉप कराएंगे तो पॉप कराने का मतलब क्या है कि 2807 से पहले डेटा निकलेगा, फिर 2808 से डेटा निकलेगा, ये पॉप ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे हमने वही एक्सप्लेन किया है LXISP जैसे ही हम करते हैं 2809H तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में 2809H लोड हो जाती है वो वैल्यू। और नेक्स्ट हम अगर करते हैं LXIH 832A तो HL रजिस्टर पेयर में 832A वैल्यू लोड हो जाती है जैसे यहाँ पे हो गई। उस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पे स्टैक पॉइंटर के एड्रेस जो भी है, स्टैक पॉइंटर का एड्रेस क्या है 2809 में एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा। एक का डिक्रीमेंट का मतलब 2809 अब क्या हो गया 2808 हो गया, स्टैक पॉइंटर माइनस वन तो वैल्यू क्या होगी 2808 हो जाएगी। तथा रजिस्टर के एच के कंटेंट को मेमोरी लोकेशन 2808 पे कॉपी कर देते हैं, यानी कि हमने यहाँ क्या कर दिया कि 2809 जैसे ही हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया 2809 की वैल्यू क्या हो गई 2808 हो गई, और उसमें जो एच पेयर का एच में डेटा था उसको हमने इंसर्ट करा दिया, वो क्या हो गया 83 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट फिर दोबारा स्टेप पॉइंटर में पुनः एक का डिक्रीमेंट होता है और लोकेशन 2807 हो जाती है। अब लोकेशन क्या हो जाएगी स्टैक पॉइंटर की 2807 होने पे उसमें L के कंटेंट को कॉपी कर दिया जाता है, इसमें L के कंटेंट को कॉपी कर दिया जाएगा। उस इंस्ट्रक्शन के पश्चात HL की कंटेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है फिलहाल हमें इससे। फिर हम देखते हैं कि पॉप इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए स्टैक पॉइंटर द्वारा प्रदर्शित स्टैक टॉप, स्टैक टॉप क्या है फिलहाल अभी 2807 है स्टैक की टॉप, और टॉप को ही क्या इंडिकेट करता है, टॉप लोकेशन को इंडिकेट करता है स्टैक पॉइंटर। तो अब यहाँ पे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई होगी जब हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म करा होगा 2807 हो गई होगी, अब वही टॉप ऑफ द स्टैक की लोकेशन है। तो पॉप में स्टैक पॉइंटर द्वारा प्रदर्शित स्टैक टॉप लोकेशन में एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, यानी कि अब लोकेशन क्या हो जाएगी 2807 था अब हो जाएगी 2808H, और जो डेटा था वो यहाँ से निकाल लिया जाएगा, यानी कि 2A की वैल्यूज निकाल ली जाएगी और उसे HL पेयर में डाला जाएगा, यानी L पेयर में उसे डाल देंगे, L में कॉपी हो जाएगा। स्टैक की टॉप लोकेशन अब क्या हो गई 2807 हो गई, तथा इसके कंटेंट को H में फिर कॉपी करेंगे और स्टैक पॉइंटर पुनः एक वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो अब क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2809। तो H में ये डेटा हो गया पॉप ऑपरेशन में। इस ऑपरेशन में मेमोरी लोकेशन 2807 तथा 2808 के कंटेंट को तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होने देते जब तक कि इनमें कोई अन्य डेटा ना स्टोर कर दिया जाए। ये डेटा हमारा यहाँ पे आ गया पॉप ऑपरेशन में। नेक्स्ट अब देखते हैं सब रूटीन क्या होता है। तो सब रूटीन क्या है कि इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा समूह है या सेट होता है जिसे मेन प्रोग्राम से अलग लिखा जाता है, और सब रूटीन का प्रयोग मेन प्रोग्राम में अनेक स्थानों पर करने की आवश्यकता होती है। माइक्रोप्रोसेसर 8085 में सब रूटीन यूज करने के लिए दो इंस्ट्रक्शन है। तो हम पहले इंस्ट्रक्शन के पहले हम समझ लें कि सब रूटीन क्या है। तो सब रूटीन एक स्पेशल टाइप के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें हम कंबाइन करके एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि हमने 10 इंस्ट्रक्शन यूज करे जो एक पर्टिकुलर जॉब को, एक पर्टिकुलर मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए वर्क कर रहे हैं एक साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब रूटीन कैसे कहते हैं। जैसे कि अगर कैलकुलेटर हमें डिजाइन करना है सबको, तो कैलकुलेटर में क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, तो हम प्लस के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख देंगे, प्लस ऑपरेशन कैसे होना है, माइनस कैसे होना है,
मल्टीप्लिकेशन कैसे होना है, तो ये अगर हम अलग अलग लिखते हैं और इनका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, हार्डवेयर में सब रूटीन नाम दे सकते हैं। समझ में आ गया सब, सब रूटीन। नेक्स्ट अब हम आते हैं जो इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं, तो पहला इंस्ट्रक्शन जो था वो कॉल इंस्ट्रक्शन था कि सब रूटीन को हमें कॉल करना है। फिर आरईटी यानी हम पुराने वाले एग्जीक्यूशन पर वापस, मेन प्रोग्राम अभी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन है वो चल रहा है किसी प्रोग्राम पे वर्क कर रहा है, वर्क करने पे अब हमें किसी अपने सब रूटीन को एग्जीक्यूट कराना है। तो अब अपने सब रूटीन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें जो माइक्रोप्रोसेसर मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उसे स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप करने के बाद हमें कॉल करना पड़ेगा किसको, अपने सब रूटीन को। जब हमारा सब रूटीन कॉल हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, अपने सब रूटीन को एग्जीक्यूट कराएंगे। जैसे ही सब रूटीन एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर हमें वापस जाना होगा मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तब हम जो इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो इंस्ट्रक्शन आरईटी इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो अब समझ लेते हैं यहाँ पे मेन प्रोग्राम में कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज सब रूटीन कॉल करने के लिए किया जाता है, आरईटी इंस्ट्रक्शन का यूज सब रूटीन के अंत में मेन प्रोग्राम में वापस जाने के लिए किया जाता है। तो हमें रिटर्न करना है अपने मेन प्रोग्राम में तो हम आरईटी इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। जब सब रूटीन कॉल करने पर करते हैं तब क्या होता है, जैसे ही हमने सब रूटीन कॉल किया और प्रोग्राम मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, माइक्रोप्रोसेसर क्या कर रहा है, मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, प्रोग्राम काउंटर में क्या वैल्यू है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। तो जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है उस वैल्यू को हम स्टैक में स्टोर कराएंगे पुश ऑपरेशन के थ्रू, और जो सब रूटीन की वैल्यू थी, सब रूटीन का पहला एड्रेस था स्टैक पॉइंटर में, उसको हम प्रोग्राम काउंटर में कॉपी कर लेंगे। समझ में आ गई, सबसे पहले क्या करना है, मेन प्रोग्राम का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर से कॉपी करेंगे स्टैक में कॉपी करने के बाद जो सब रूटीन है जहां जिस लोकेशन पे सब रूटीन रखा हुआ है उसकी का जो फर्स्ट एड्रेस होगा उस एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर में लेके आएंगे, तब हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब समझ लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। सब रूटीन कॉल करने पे पीसी के कंटेंट जो कॉल के बाद एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो हम बोल रहे थे स्टैक में स्टोर हो जाता है, तथा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सब रूटीन एड्रेस पे ट्रांसफर हो जाता है। सब रूटीन के पश्चात जैसे सब रूटीन का एग्जीक्यूशन हो गया उसके बाद क्या होगा, आरईटी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पर यानी कि आरईटी इंस्ट्रक्शन पे आ गए हम, तो स्टैक पर जो डेटा है उसे हम पॉप कराएंगे, यानी कि पॉप कराएंगे मेन, पॉप कराने के बाद जो मेमोरी एड्रेस हमें प्राप्त होंगे उसे हम किस में ले जाएंगे, प्रोग्राम काउंटर में ले जाएंगे। प्रोग्राम काउंटर अब क्या करेगा, नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना लगेगा। जैसे हमने क्या ये एग्जीक्यूशन चल रहा था 1006 पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है एमओबी बीसी, जबकि ये 1006 है। अब कॉल उसने करा दिया 2056, यहाँ जंप करना है हमें 2056 पे, नॉर्मल प्रोग्राम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो पुश ऑपरेशन है पुश ऑपरेशन में जो भी वैल्यू होगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू क्या थी 100 है, तो 10 लेंगे और 0 लेंगे, इसको हम पुश करा देंगे, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एसपी -2 हो जाएगी। पुश कराएंगे फिर जंप कराएंगे, ये नॉर्मल प्रोसेस रहता है, पहले मेमोरी एड्रेस जो था उसको पुश कराएंगे स्टैक में, फिर हम जंप करा देंगे। जंप कराने के बाद फिर हम अगर क्या कराएंगे, फिर हल्ट पॉप कराएंगे। पॉप कराने के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज दोबारा से जो मेमोरी लोकेशन पे थी ये वाली वैल्यू दोबारा से हम वापस निकाल लेंगे उसमें से, ये नॉर्मल प्रोसेस रहता है। एग्जांपल नंबर 2 दिखा रखा है यहाँ पे, एलेक्साई एसपी में 27FF है, यानी कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यूज क्या है 27FF दे रखी है, इनकी ये स्टैक पॉइंटर का टॉप है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 27FE हो जाएगा, 27FD हो जाएगा। अब हमने कॉल इंस्ट्रक्शन किया, कॉल इंस्ट्रक्शन करने के बाद करने से पहले पहले हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर में इंसर्ट करा देना है। स्टैक में इंसर्ट करा दिया 1006 हो गया, और कॉल की जो लोकेशन थी उस पर हमने एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, ये नॉर्मली प्रोग्राम रहता है। अब हमें प्लीज़ आप हमें बताइएगा, अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।